दोस्तों प्रेजेंटली हम लोगों को ये सिखाया जा रहा है, या फिर यूं कहें कि हमारे माइंड में ये आइडिया डाला जा रहा है कि सन की तरफ मत देखो वरना अंधे हो जाओगे, या फिर धूप में मत जाओ यू विल गेट कैंसर। और यही रीजन है कि वर्ल्ड में विटामिन डी डेफिशिएंसी के पेशेंट इतना तेजी से बढ़ रहे हैं, जबकि रियलिटी ये है कि आप जितना नेचर से दूर जाओगे उतना ही आपके बीमार पड़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर आप ऐसा करते हो तो आप ऑटोमेटिकली सपोर्ट कर रहे हो उन ग्लोबल कॉर्पोरेशंस को जो कि हमें डरा कर उनके प्रोडक्ट्स हमें बेच रही है और हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर कमा रही है। बात करें सन के इम्पोर्टेंस की तो हमारी पूरी लाइफ ही सन की प्रेजेंस के ऊपर डिपेंड करती है। ये प्लांट्स को नरिश करता है जो कि बेस है हमारी फूड चेन का, नेचर और इकोलॉजी को बैलेंस करता है और हम ह्यूमंस को हेल्थ एंड लाइफ प्रोवाइड करता है। और ऐसे बहुत से तरीके हैं जिनके थ्रू आप सन से बेनिफिट ले सकते हैं, जैसे कि सन बाथिंग, सूर्य नमस्कार एंड सन चार्ज वाटर। लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसी एंशियंट प्रैक्टिस की जैसे कि अगर आपने पूरी सिंसियरिटी और पूरे बिलीफ के साथ किया तो ये आपकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर देगी। और उस प्रैक्टिस का नाम है सन गेजिंग। बेसिकली सन गेजिंग एक इजी, हेल्दी और नेचुरल टेक्निक है जिसमें कि आपको सन को कंटिन्यूअसली देखना होता है थ्रू नेकेड आईज ड्यूरिंग दी सेफ आवर्स। यानी कि ये करने का जो सबसे बेस्ट टाइम है वो है सनसेट से पहले का एक घंटा और सनराइज के बाद का एक घंटा, क्योंकि उस टाइम अल्ट्रावायलेट रेज बिल्कुल जीरो होती है और इस कारण हमारी आईज भी डैमेज नहीं होती। हमारे इंजिस्टर्स पिछले हजारों सालों से सन की वर्शिप करते आ रहे हैं फॉर फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, जैसे कि इजिप्शियन, मायन, तिब्बतियन एंड इंडियन। इवन हिंदू ट्रेडिशन में तो सूर्य को भगवान के रूप में पूजा जाता है। हमारे एंसेस्टर्स के अकॉर्डिंग सन ही एनर्जी फोर्स है सारी लाइफ फॉर्म के पीछे, और सन को मात्र देखने भर से ही हमारी बॉडी और सेल में एनर्जी इन्फ्यूज हो जाती है जो कि बहुत ही जरूरी है हमारी हेल्थ के लिए। उनके अकॉर्डिंग सन से हमारी वाइब्रेशन बढ़ती है जिसके कारण हम हमेशा जॉयफुल स्टेट में रहते हैं, और इससे हमें मिलती है सुपर ह्यूमन एबिलिटीज जैसे कि टेलीपैथी एंड क्लियर वॉयंस। इवन परमहंस योगानंद जी ने भी अपनी ऑटोबायोग्राफी में ऐसे बहुत से सेंट्स और मिस्टिक्स के बारे में बताया था जो कि सिर्फ पानी पीकर ही जिंदा रहते थे और फूड की फॉर्म में सनलाइट लिया करते थे। और बात करें मॉडर्न वर्ल्ड की तो ऐसे बहुत से एक्सपर्ट सन गेजर्स हैं जिन्होंने की सन गेजिंग को पिछले कुछ सालों में बहुत पॉपुलर बनाया, जिनमें की है ओम राम मिखाइल, सन योगी उमा शंकर और हीरा रतन मानेक जी। लेकिन इनमें से किसी ने सन गेजिंग को सबसे ज्यादा पॉपुलराइज किया तो वो है हीरा रतन मानेक जी, जिन्होंने की 1992 में सन गेजिंग को सीरियसली लेना शुरू किया और इसके बारे में डीप स्टडी की और फिर खुद पर 3 साल तक एक्सपेरिमेंट किए और काफी ट्रायल एंड एरर के बाद एक टेक्निक डेवलप की। उन्होंने बताया कि सन गेजिंग से हमारे ब्रेन का फुल पोटेंशियल एक्टिवेट होता है और हमें मिलती है कुछ इन्फिनिट पावर्स। और उन्होंने ये भी क्लेम किया कि जून 18, 1995 के बाद उन्होंने कोई भी सॉलिड फूड नहीं लिया है, और जब वो फास्टिंग नहीं कर रहे होते तो वो कभी कभी टी, कॉफी या बटर मिल्क ले लेते हैं। और सन गेजिंग के एक्सपर्ट बनने के बाद उन्होंने 2 बार लॉन्ग फास्टिंग भी रखी। पहली थी 1995 में 211 डेज की, जहां की उनकी डाइट सिर्फ पानी और सनलाइट थी, और दूसरी थी 2000 में 411 डेज की जो कि उन्होंने रखी थी अहमदाबाद में, जहां कि उन्हें 21 इंटरनेशनल डॉक्टर की टीम के सुपरविजन में रखा गया जिसके हेड थे डॉक्टर सुधीर शाह, जहां की उनकी रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल आई और इवन डॉक्टर्स ने भी उनकी इस प्रैक्टिस को इफेक्टिव बताया। उसके बाद थॉमस जेफरसन यूनिवर्सिटी एंड स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ पेन फिलाडेल्फिया ने उन्हें इन्वाइट किया ताकि उन्हें ऑब्जर्व कर सके और उनकी रेटिना, पीनियल ग्लैंड और ब्रेन को एग्जामिन कर सके, जहां की उन्हें लैब में 130 डेज तक रखा गया और उन पर टेस्ट किए गए। और इनिशियल रिपोर्ट्स में ये बात सामने आई कि उनकी ब्रेन की ग्रे सेल रीजनरेट हो रही थी जो कि उनकी एज में होना बहुत मुश्किल होता है, साथ ही साथ उनके पीनियल ग्लैंड की साइज भी श्रिंक नहीं हुई थी जो कि मिड 50s के बाद श्रिंक होना शुरू हो जाती है। एंड सिंस 2002 हीरा रतन जी पूरे वर्ल्ड में सन गेजिंग के ऊपर लेक्चर्स एंड इंटरव्यूज दे रहे हैं और प्रेजेंटली उनकी एज है 82। तो इन सब रिपोर्ट्स के बाद एक बात तो साफ है कि उनकी सन गेजिंग टेक्निक काफी इफेक्टिव है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस सन गेजिंग एक बहुत ही डेंजरस प्रैक्टिस है और इसे मॉडर्न साइंटिस्ट सूडो साइंस कहते हैं, और इवन आई केयर प्रोफेशनल भी यही सजेस्ट करते हैं कि आप सन को ना देखें, क्योंकि अगर आप सन को ज्यादा देर तक देखेंगे तो इससे आपके रेटिना के डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, जिसे कहते हैं सोलर रेटिनोपैथी। 2017 में डेली मेल यूके में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ जिसमें कि ये बात बताई गई कि एक 62 ईयर ओल्ड इंडियन मेल की आईज में येलो डॉट डेवलप हो गए जिसका रीजन था सन गेजिंग, क्योंकि वो पिछले 30 से 35 सालों से डेली रिलीजियसली सन गेजिंग कर रहा था। लेकिन हाँ, रिपोर्ट में ये बात भी मेंशन थी कि वो हाइपरटेंशन का पेशेंट था और कहीं भी ये क्लियर नहीं था
कि पेशेंट को सन गेजिंग से ही येलो डॉट डेवलप हुए हो, क्योंकि हमारी आईज इस प्रैक्टिस में तभी डैमेज होती है जब हम सन को या तो तेज धूप में काफी देर तक देखें या ड्यूरिंग सोलर एक्लिप्स देखें। इन शॉर्ट, सन गेजिंग अभी भी बहुत बड़ी मिस्ट्री है मॉडर्न साइंस के लिए, क्योंकि काफी लोग इसे सपोर्ट करते हैं और काफी इसके अगेंस्ट में। जब हम एक तरफ सनयोगी उमा शंकर जी और हीरा रतन जी जैसे लोगों को देखते हैं तो हमें ये प्रैक्टिस एकदम जेन्युइन और पावरफुल लगती है, और वहीं दूसरी तरफ जब हम मेडिकल एक्सपर्ट की बात सुनते हैं और कुछ ऐसी न्यूज पढ़ते हैं तो हम इसके अगेंस्ट हो जाते हैं। सो ये पूरी तरह डिपेंड करती है पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बिलीफ सिस्टम के ऊपर। सो अगर आप इसे करें तो प्लीज इसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च करें और सनयोगी उमा शंकर जी, हीरा रतन जी और विनय पिंटो जैसे लोगों की रिसर्च के बारे में पढ़ें। और इनमें जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है वो है HRM टेक्निक, जिसके बारे में डिटेल में आपको वीडियोस यूट्यूब पे मिल जाएंगे, आप वहां से इसे सीख सकते हैं। सो आप लोगों की क्या राय है सन गेजिंग को लेकर, प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और आज का वीडियो यहीं विराम देते हैं,